बट फैक्टर अफेक्टिंग शायद हम लोग पढ़ रहे थे, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2, और उसमें क्या फर्स्ट फैक्टर पढ़ लिया था, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। हमने क्या फर्स्ट फैक्टर पढ़ लिया था हम लोगों ने, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट की, और बस फर्स्ट फैक्टर ही पढ़ा था अभी तक। सो सेकंड फैक्टर इज यू नो टाइप ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, टाइप ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये सेकंड फैक्टर है, टाइप ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जल्दी से पहले तो एक तो मुझे ये बताओ यार, ये न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल एंड लुईस बेस में क्या डिफरेंस है? दोनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डिफरेंस क्या है? जैसा NH3 लुईस बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, कुछ डिफरेंस है कि दोनों टर्म सेम होते हैं? सो यू कैन से बेसिसिटी इज मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बेसिसिटी इज मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली KB वैल्यू, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सो टू विच एक्सटेंट इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इट्स बेसिसिटी, and to which rate, to which speed it can donate lone pair of electron, वो इसका nucleophilicity। क्या बच्चे दोनों में difference समझ में आ रहा है? एक chemical kinetics है basically और एक equilibrium है basically। हाँ? Yes sir. Yes sir. Now further you can say following factors affect order of nucleophilicity. Following factors affect order of nucleophilicity. A is basicity. So in let's say non-polar solvent or you know gaseous phase, usually stronger न्यूक्लियोफाइल आल्सो, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसियस फेज यूजुअली स्ट्रॉन्गर बेस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आल्सो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट वन, इफ इट इज F- या ना से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज CH3-, इफ इट इज NH2-, if it is OH-, if it is F-, बेटा इनमें से चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है यहां? इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है यहां? जल्दी से बताओ यार। CH3-. भाई अक्रॉस द पीरियड कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? HF अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, सो F- वीकेस्ट बेस है,
Similarly, let's say if we have, let's say, suppose if it is OH minus, if it is H2O, दोनों में से कौन सा stronger base है, ये तो आसान है बताना. दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है यहाँ, जल्दी जल्दी बोलो यार, तुम लोग बड़ा OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, सो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी है. सिमिलरली क्या ये ऊपर वाला लिख के हो गया जो ब्लैक में लिखा था मैंने, थर्ड वन. Suppose if we have to compare, it may be benzene, let's say COOO minus, this may be O minus, this may be suppose C minus, and let's say this is yahan bhi minus hai mere paas. So ye A, ये बी, ये सी, ये डी, इसमें से वीकेस्ट बेसिक वाली साइड कौन सी है भाई, इसमें से वीकेस्ट बेस कौन सा है, ए बी सी डी में से वीकेस्ट बेस कौन सा है, ए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता, तो क्या ए माइनस इसमें से वीकेस्ट बेस है, उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले रहा है. ए के बाद, ए के बाद फिर कौन सा वीकर है, आई थिंक बी, कम से कम वहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो है. सी में एंड डी में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है, सो डी एंड देन इट इज सी. सी में जो नेगेटिव चार्ज है वो एसपी कार्बन पे है, और डी में जो नेगेटिव चार्ज है वो एसपी टू कार्बन पे है. क्या समझ में आ रहा है ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये जो तीनों ऑर्डर लिखे हैं मैंने, ये जो तीनों के तीनों ऑर्डर हैं मेरे पास, इट इज सेम एज बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी. बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यही है बेटा इसका, है ना. सो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसियस फेज कोई टेंशन ही नहीं है, जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी है. क्या बच्चों ये ए वाला फैक्टर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज अच्छे से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मींस वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा. बी में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है ना. सी एंड डी में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और सी में एसपी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और डी में एसपी टू कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. sp2 ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बेटा, sp से, है ना. क्या क्लियर है भाई ये वाला एग्जांपल? यस. क्या बच्चे जो बोर्ड पे जो है वो लिख के भी हो गया है तुम लोगों का? बेटा ये जो बोर्ड पे है ये लिख के हुआ है क्या तुम लोगों का? Yes. चलो इसी का लेट्स से बी, बी फैक्टर, यू नो टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम और सॉल्वेंट. यू कैन से इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. क्या मीनिंग होता है बेटा पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट का, जल्दी से बता दो. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मीनिंग है? जैसा फॉर एग्जांपल वाटर,
इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल वाटर, पोलर मीन्स उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, प्रोटिक मीन्स इसमें मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन वी से स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल कैन बी हाईली सॉल्वेटेड. क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में या कभी सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी कुछ ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने? Yes. तो जितना छोटा रहेगा न्यूक्लियोफाइल, जितना छोटा रहेगा न्यूक्लियोफाइल, डू थिंक उतना इफेक्टिवली वो स्टेबलाइज्ड है? Yes. So, smaller nucleophile is highly solvated, comma, stabilized, and thus, क्या इसका रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगा फिर? Yes. And thus, less tendency to react. Less tendency to react. So, क्या हम लोग बोल सकते हैं, इन पोलर प्रोटिक मीडियम, इन पोलर प्रोटिक मीडियम यू नो स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल विल बी वीकर. हाँ बच्चे, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? वो अटैक नहीं करना चाहेगा, और जो बड़ा न्यूक्लियोफाइल है उसका सॉल्वेशन होगा नहीं, वो अटैक करना चाहेगा. इफ नो मीडियम इज मेंशन इन द क्वेश्चन, क्या मीडियम लोगे तुम लोग? अगर कोई मीडियम क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो कौन सा मीडियम लेना होगा? नॉन पोलर न्यूट्रल. नॉन पोलर ना, पोलर है ना, वाटर. वाटर हमेशा ही टेस्ट ट्यूब में है मेरे पास. सो इफ नो If no medium is mentioned, water is taken as a medium which is polar protic. Eh, for example, let's say if it is fluorine, it is chlorine, it is bromine, and it is iodine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. The ye basicity ka order kya hai inka? बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में? फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड. बट अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक करना हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर लेट्स से नहीं भी मेंशन होगा वाटर, तो वाटर हम लोग को लेना पड़ेगा. न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है? I माइनस का सॉल्वेशन सबसे अच्छा नहीं होगा, और फ्लोराइड आयन तो हाईली सॉल्वेटेड हो जाएगा. Yes. क्या बच्चों ये भी फैक्टर समझ में आ रहा है क्या? हाँ बेटा, ये फैक्टर क्या समझ में आ रहा है? Yes. ऐसा क्या ये सब भी बता सकते हो फिर? अभी अगर मेरे पास OH- माइनस है एंड SH- माइनस है, कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है इसमें? OH- माइनस एंड SH- माइनस में कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? SH- माइनस. हम बेटा ये सब एक्वस है ना. और डू थिंक इससे भी बेटर फिर ये हो सकता है सर, सेलेनियम हाइड्राइड है ना. क्या लिखे हुआ है ये ऐसा? एक मिनट. हाँ सर.
इसके कोई एक्सेप्शन या मतलब जनरल रूल है? मतलब जनरल रूल्स है, मैं एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगा बेटा, कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है, कौन सा वीकर होता है ना। सब में चले? हाँ सब में चले। क्या बी वाला पार्ट भी लिख के हो गया तुम लोगों का? यस। अच्छा ऐसा ही, लेट्स से यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में हम लोग लिख सकते हैं? आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, सी एन माइनस, आर माइनस, एन एच थ्री, पी एच थ्री, ओ एच माइनस, ओ आर माइनस, एटलीस्ट ऑर्गेनिक में कुछ टाइप के एटसेट्रा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जाम्पल आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, सी एन माइनस, कोई भी कार्ब एनायन, इट इज एन एच थ्री माइनस, पी एच थ्री, ओ एच माइनस, ओ आर माइनस एटसेट्रा। रिएक्ट बेटा, ये फास्ट रिएक्ट करेंगे कि स्लो रिएक्ट करेंगे? फास्ट रिएक्ट, फास्ट रिएक्ट, फास्टर, एंड दस डज नॉट गिव एनफ टाइम टू एल्काइल हैलाइड टू कन्वर्ट itself into carbocation first। ये react करेगा fast, तो जो substrate है, जो alkyl halide है, उसके पास time ही नहीं होगा कि वो पहले carbocation में convert हो जाए। ये अभी भी water के medium में। हाँ, water वाले medium में ना। And thus it prefer, thus it prefer SN1 की SN2, SN2, it prefer SN2, ये SN2 reaction prefer करते हैं। क्या बच्चों ऐसा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। Similarly weaker nucleophile, weaker nucleophile for example HI, HCl, HBr, H2O, ROH, acetic acid, let's say etc। थोड़ा ख्याल रखना बच्चे, देखो मैंने HI को weak में लिखा है और I- को strong में लिखा है ना। HI covalent compound है और वहां मेरे पास लेट्स सपोज फ्री आयोडाइड आयन है। आर वीकर न्यूक्लियोफाइल आर ओ एच एटसेट्रा, आर वीकर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट स्लोली, रिएक्ट स्लोली। तो थिंक अगर ये स्लो अटैक करेगा तो एल्काइल हैलाइड के पास पहले खुद आयोनाइज होने का टाइम होगा। यस। And they prefer SN1 ki SN2? SN1. They prefer SN1. हम लोग दो तीन एग्जाम्पल समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि SN1 SN2 का प्रोडक्ट हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। मैं पहले SN2 वाले या SN1 देख लेंगे क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, है ना। Let's say for example, क्या जितना बोर्ड पे लिखा है तुम लोगों ने लिखा है? सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। गुड। सर एक मिनट।
हो गया सर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ इट इज यू नो हाइड्रोजन इट इज लेट्स से CH3 एंड इट इज Cl एंड लेट्स से इट इज ड्यूटेरियम. सपोज इफ दिस रिएक्ट विद Ki, जल्दी से मुझे बता दो बेटा ये रिएक्शन SN1 होगा कि ये SN2 हो. SN2. भाई देखो एक तो ये मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं है. Yes. और यहां भी ये जो सबस्ट्रेट है क्या सबस्ट्रेट मेरे पास 1 degree है. तो एक तो मुझे पता चला कि ये 1 degree एल्काइल हैलाइड है और दूसरी कहानी मुझे ये पता चली कि I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. दो ही फैक्टर हम लोग ने पढ़े हैं अभी तक, एक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट और एक टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दोनों क्या फेवर कर रहे हैं कि SN1 होगा कि SN2 होगा. हाँ भाई SN2. तो बेटा क्वेश्चन का प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने से पहले पहले मुझे सबसे जरूरी ये तो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये SN1 है कि SN2 है ना. SN2 में Cl- निकल जाएगा भाई यहाँ. और डू थिंक Cl- विल बी रिप्लेस्ड बाय आई. Cl- आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा. या सुनो. यस. अच्छा देखो इसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. इसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है SN2 का. जहां से Cl निकलने वाला है वहां I लगा दो. जहां से Cl निकलने वाला है वहां I लगा दो. ये मैंने क्या कर दिया है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. रिटेंशन. तो ये तो प्रोडक्ट नहीं है ना. मिरर इमेज. ये रिटेंशन कर दिया है मैंने यहाँ अभी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो ये तो प्रोडक्ट इसका नहीं हो सकता है. बस अब प्रोडक्ट अगर मुझे बताना है तो इस काइरल कार्बन के अबाउट कोई भी मैं एक एक्सचेंज कर दूं. कोई भी एक एक्सचेंज, जैसा अगर मैं आयोडीन यहां लेके चला जाऊं, एच यहां, CH3 यहां, डी यहां, तो क्या ये प्रोडक्ट होगा इसका? बिल्कुल होगा, है ना. यस सर. ऐसा ही आयोडीन में नीचे लेके चला जाऊं, ड्यूटेरियम यहाँ, एच यहाँ, CH3 यहाँ, ये इसका प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल प्रोडक्ट है इसका. यहाँ आयोडीन में यहाँ लेके चला जाऊं, यहाँ एच, यहाँ CH3 और यहाँ ड्यूटेरियम, ये भी इसका प्रोडक्ट है. तो ये तीनों आइडेंटिकल ही कंपाउंड है बेटा, है ना. ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट, ये सब आइडेंटिकल ही है ना. सो यू नो ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज अराउंड काइरल कार्बन. तो क्या इन सब में मेरे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? हाँ सर. यस सर. तो कई बार क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस हो सकता है ना. कई बार क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस हो सकता है. तो डू थिंक इस क्वेश्चन के आंसर में ये तीनों आंसर हो सकते थे. हाँ सर. और ऑब्वियसली हम लोग आर और एस से भी देख के कर सकते हैं, है ना. हम लोग आर और एस से भी देख के कर सकते थे. जैसा सिंपल, क्लोरीन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है यहाँ. क्लोरीन का प्रायोरिटी यहाँ सबसे ज्यादा है, देन मिथाइल एंड देन ड्यूटेरियम. इट इज एंटी क्लॉकवाइज, लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन. सो ये एस है कि नहीं है? अब फिर मैं बस चार ऑप्शन में देख लेता हूँ किसमें आर है. तो यहाँ आयोडीन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देन मिथाइल, देन ड्यूटेरियम. इट इज क्लॉकवाइज. यहाँ आयोडीन, मिथाइल एंड ड्यूटेरियम. इट इज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ आयोडीन, मिथाइल एंड ड्यूटेरियम. इट इज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है,
तो ये R है, यहाँ लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये R है और ये भी R है। क्या समझ में आ रहा है कि इन्वर्जन हो गया यहाँ? यस। बड़ा क्या ये एग्जांपल तुम लोगों को लिख के हो गया है? एक मिनट, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है बेटा, है ना? ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं है इस रिएक्शन का। सिर्फ समझने के लिए, मुझे एग्जाम में यू नो टिक करने के लिए मैं चाहूं तो जहां से सीएल हटाया था वहां आयोडीन लगा दूं और उस कायरल कार्बन के अबाउट एक एक एक्सचेंज कर करके देख लूं और देख लूं चार ऑप्शन में कौन सा बनेगा। सबने ऑड नंबर ही किया। अबे ऑड नंबर करेंगे तो ही तो इन्वर्जन होगा बेटा, अगर इवन नंबर करेंगे तो वापस से वही बन जाएगा रिटेंशन का रिटेंशन। हाँ, जैसा भाई पक्का पक्का ये वाला जो कायरल कार्बन है, देखो यहाँ आयोडीन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देन मिथाइल, देन ड्यूटेरियम, इट इज एंटी क्लॉकवाइज और ये एस है ना, तो पहले भी एस था बाद में भी एस बना भाई, ये तो हो नहीं सकता एसएन2 में। आशिका पाठक, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रिटेंशन इज नॉट अलाउड। भाई ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है, वाल्डन इन्वर्जन सब पढ़ा था कि नहीं? ना क्या लास्ट क्लास में ये सब पढ़ा है हम लोगों ने, वाल्डन इन्वर्जन, बैक साइड अटैक, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये लिख के हो गया तुम लोगों का? यस सर। चलो मैं अभी दो दो क्वेश्चन इसके बेस पे शेयर कर रहा हूँ तुम लोग के स्क्रीन पे, दोनों क्वेश्चन का मुझे सही आंसर बताना तुम लोग, एकदम ही सही। चलो सर आप प्रेशराइज कर रहे हो सर। हाँ, इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट विल बी, यहाँ तो SN2 लिखा ही हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो क्या OH- माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग। क्या प्रिफर करता है वो SN1 SN2? SN2। और यहाँ तो ठीक है एरो के नीचे लिखा है भाई SN2 है ना, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ तो। चलो जल्दी से मुझे बता दो कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें से, ए बी सी डी में से। यस भाई, किसी एक अच्छे बच्चे ने तो मुझे आंसर बता भी दिया है इस क्वेश्चन का, किसने बताया है ये? आशिका पाठक ने। सुयश तुम्हारा आंसर भी सही है। ए सुयश तेरे मार्क्स अच्छे आए इस टेस्ट में, देखा है? हाँ सुयश। हाँ सर, इस बार फिजिक्स अच्छा गया था इसके लिए। अच्छा, कितना मेंस में कितना आया? कुछ 270s में कितना था? नहीं सर, 260s में कुछ है, मैं देख रहा था। और एडवांस में 743। अच्छा है, वो भी अच्छा है। अंश तुम्हारा आंसर सही नहीं है। और विनित शाह, तुमने कुछ ज्यादा ही आंसर बता दिया भाई, है ना? शुभम प्रजापति, तुम्हारा आंसर भी सही था बेटा, है ना? अच्छा, यहाँ दो कायरल कार्बन है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ दो कायरल कार्बन है। मैं दूसरे को अलग कलर से बनाता हूँ। यहाँ दो अलग कायरल, दो कायरल कार्बन है। किस कायरल कार्बन के अबाउट रिएक्शन हुआ है SN2? रेड वाले के लिए कि ब्लू वाले के लिए? ब्लू वाले। ब्लू। तो डू यू थिंक रेड वाले के कोरेस्पोंडिंग अगर रिएक्शन नहीं हुआ है तो रेड वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए? तो भाई रेड वाले को तो चुपचाप वैसा ही बना दो जैसा वो था, CH3 एंड H। और जैसा मैं बता रहा था, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान होता था इसका। इसके अबाउट जहां ब्रोमीन था वहां OH पहले चिपका दो, बस वहां OH चिपका दो और ये ब्लू वाले कायरल कार्बन के अबाउट कोई भी एक एक्सचेंज कर दो और रेड वाले को डिस्टर्ब नहीं करो बस, है ना? तो डू थिंक ऐसा मेरे पास बी ऑप्शन बन सकता है अगर मैं CH3 को यहां लेके चला जाऊं और OH को यहां? हाँ सर। और ये क्या समझ में आ रहा कि सिर्फ बी ऑप्शन आंसर होगा?
तो यहाँ बी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ के हो रहा है तुम लोगों का? Yes, sir. मैं दूसरा क्वेश्चन शेयर करूं तुम्हारे लिए? चलो बढ़िया। और भी एग्जांपल्स लेट से, चलो मैंने कैच ही खोल दिया है कि मैं फिर से क्या कराने वाला हूं तुम लोगों को। एन ए आई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वीक न्यूक्लियोफाइल, जल्दी से बताओ। एन ए आई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वीक न्यूक्लियोफाइल, भाई ये आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं है सोडियम आयोडाइड? तो ये स्ट्रॉन्ग की वीक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, डू यू थिंक इस काइरल कार्बन के अबाउट रिएक्शन होगा क्योंकि सीएल निकलेगा भाई यहाँ से? और इस काइरल कार्बन के अबाउट रिएक्शन होगा क्योंकि सीएल यहां से निकलेगा। ये वाला काइरल कार्बन का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है और ये वाले काइरल कार्बन का भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है तुम्हें। तो दोनों रेड वाले के कोरस्पोंडिंग इन्वर्जन हो जाएगा और दोनों ग्रीन वाले के कोरस्पोंडिंग रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगा। आंसर बता दो जल्दी से मुझे तुम लोग। यस अमोघ मलागी, तुम्हारा आंसर सही है। दो आंसर बताया, एक आंसर बताया? अच्छा सॉरी, हितांश तुम्हारा आंसर सही था, हितांश गोपानी, पर अमोघ तुम्हारा आंसर सही नहीं था बेटा। अंश गुप्ता, नमन, हरिप्रिया, केविन जिंदल, इन लोगों का आंसर सही है। तनिष्क तिवारी, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। तनिष्क पानी वाते, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। जैनी शाह और शुभम प्रजापति, शायद तुम लोगों का आंसर भी सही नहीं है बेटा। यस अमन रंजन, तुम्हारा आंसर सही है। स्वरूप, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। शुभम प्रजापति, तुम्हारा आंसर सही है। अशका पाठक, तुम्हारा आंसर भी सही है। वैष्णवी, तुम्हारा आंसर सही था। अमन अग्रवाल, तुम्हारा आंसर सही था। स्निग्धा, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। चलो भाई कैसे पता करेंगे किसका आंसर सही है? यस जैनी शाह, तुम्हारा आंसर अभी सही है। चलो चेक करते हैं भाई, एक तो डी ऑप्शन तो पक्का पक्का सही होना चाहिए। कैसे पता चला? क्या मेरे पास इन दो काइरल कार्बन के अबाउट इन्वर्जन हो गया है? बड़े इन दो काइरल कार्बन के अबाउट इन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ? भाई जहां सीएल था वहां ड्यूटेरियम लगा दिया, रेड वाले पे भी एक एक्सचेंज कर दिया और नीचे वाले रेड वाले पे भी एक एक्सचेंज कर दिया, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। कुछ बच्चों को बी एंड सी ऑप्शन आ रहा था, वो बच्चे मुझे बताएंगे भाई कैसे आ रहा था तुम लोगों को बी एंड सी। जैसा सी कैसे आ रहा था, कोई अच्छा बच्चा बताए मुझे जरा प्लीज। सर बी तो आई नहीं सकता, उसमें तो क्लोरीन लगा। अच्छा बी तो आई नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन रिप्लेस ही नहीं हुआ। चलो इन दो को तो हटा ही देते हैं। सी कैसे आ रहा था, किसी अच्छे बच्चे को थोड़ा बताओ भाई मुझे। बेटा सी में अनफॉर्चुनेटली अगर ध्यान से देखोगे तो इस काइरल कार्बन का भी कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया है। इस काइरल कार्बन का भी कॉन्फिगरेशन देखो चेंज हो गया है। कैसे पता चला? कि यहाँ ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी क्लॉकवाइज है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो ये R है यहाँ, और यहाँ ये S हो गया है। और उस काइरल कार्बन पे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ भाई, तो उस काइरल कार्बन पे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ है। तो मेरे पास सी आंसर नहीं हो सकता है कैसे भी करके। हाँ भाई, जो मैं समझाना चाहता हूं तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। जिस काइरल कार्बन पे रिएक्शन हुआ है उसमें लीविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दो एंड डू वन एक्सचेंज, है ना, वन एक्सचेंज अबाउट दैट पर्टिकुलर काइरल कार्बन जहां रिएक्शन हुआ है। क्लियर? ये तो आपने इजी वाला दिया।
इजी नहीं है बेस, मतलब देखो चार चार कार्बन कार्बन थे सर, मैकेनिकल इजी तो हो नहीं सकता सर, ये तो तब इतना पढ़ाते ही नहीं। अच्छा अच्छा अभी अरे तो शुरू हुआ है ना, अब देखते जाओ बेटा रिएक्शन में क्या क्या होगा, है ना। बट क्या ऐसे ऐसी ऐसी चीजें कर लोगे कि नहीं तुम लोग? हाँ सर आराम से। हाँ सर चलो बहुत सही। नेक्स्ट वाले केस में एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, कितने हो गया ये फोर्थ एग्जांपल देखे हैं भाई, है ना। हाँ सो अनदर एग्जांपल मे बी सपोज इफ इट इज OH here, CH3 and H here, and let's say it is CH3 phenyl and H here, and if this compound is treated with HI, यहां भी भाई मेरे पास दो कायरल कार्बन है ना, एक ये कायरल कार्बन है और एक ये कायरल कार्बन है। पहले तो हम लोग को ये पता करना चाहिए कि ये रिएक्शन SN1 होगा कि SN2 होगा। SN1 होगा सर। वीक कैसे पता चला कि SN1 होगा? तो HI मेरे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? हाँ सर। बढ़िया, तो ये SN1 देगा। SN1 के पूरा का पूरा मैकेनिज्म देख लो बेटा यहाँ, एटलीस्ट इसके लिए तो देख ही सकते हो। क्या फर्स्ट रिएक्शन मे बी एसिड बेस रिएक्शन? हाँ भाई, क्या फर्स्ट रिएक्शन ये एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है? यस सर। अभी अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, Do you think it's better this positive charge gets shifted to some other carbon? Yes. No, due to removal of H2O. And CH3. And it is hydrogen. And it is CH3. And it is phenyl. And this carbon having positive charge? Carbocation? Intermediate carbocation? Yes. फर्दर क्या ये कार्बोकेटन रीअरेंज हो सकता है इससे ज्यादा स्टेबल में? होगा सर, नीचे जाए। सो विद द हेल्प ऑफ 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या देखो ये कार्बोकेटन ऐसा बन सकता है भाई, यहाँ H चला गया एक और ऊपर, या मैं यहां बोलता हूँ यहाँ एक और H चला गया ऊपर CH3, एंड डू यू थिंक मेरे पास अब जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं मिथाइल बना ले फिनाइल बना ले वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, चलो यहाँ बना लेते हैं फिनाइल और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई, लेट्स से हाइड्रोजन गेट शिफ्टेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू 1.2 शिफ्ट, ऐसा कहीं पढ़ा भी हम लोगों ने कि व्हेनेवर कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट इट ऑलवेज रीअरेंज इटसेल्फ, इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है क्या भाई कभी और कोई और शिफ्टिंग से? नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में भाई I- कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल हेयर, और डू यू थिंक मेरे पास दो प्रोडक्ट यहां बन सकते थे? अच्छा ये जो सबसे ऊपर वाला है क्या मैं उसको इथाइल लिख लूं, ईटी इस पूरे पार्ट को क्या मैं इथाइल लिख सकता हूं CH3CH2 को? हां सर। हां सर, ये लेट्स से मैंने इथाइल लिख लिया आसान समझने के लिए। एक बार यहाँ मिथाइल आ सकता है एंड फिनाइल एंड आयोडीन प्लस प्लस इट्स अनदर प्रोडक्ट मे बी इथाइल एंड फिनाइल एंड आयोडीन एंड मिथाइल, कुछ याद है पेयर ऑफ इनेंशियोमर बनने चाहिए इसमें? यस सर। So it will give pair of enantiomers as ये जो I- nucleophile है वो plane के ऊपर से भी attack कर सकता है, plane के नीचे से भी attack कर सकता है। I- plane के ऊपर से भी attack कर सकता है और plane के नीचे से भी attack कर सकता है बच्चे, है ना।
तो ये समझ में आ रहा है बेटा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी है ना, रिएक्शन कौन से टाइप की है। यस, एसएन वन के प्रोडक्ट अलग टाइप के हैं, एसएन टू के प्रोडक्ट अलग टाइप के हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन हुआ वीक न्यूक्लियोफाइल की वजह से एसएन वन, इससे पहले जो तीन एग्जांपल्स हम लोगों ने समझे वो सब एसएन टू थे। क्या ये लिखे हो गया है तुम लोगों का? मैं एक और ही शेयर कर देते हैं भाई, और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं ऐसे। चलो तुम लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अच्छे से, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, है ना। जल्दी से मुझे बता दो ये रिएक्शन एसएन वन है कि एसएन टू है, ये रिएक्शन एसएन वन है कि एसएन टू है। एसएन वन है क्योंकि एच आई है इसमें, है ना। अब जल्दी से इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट भी बता दो भाई तुम लोग चार ऑप्शन में से। अमन तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे, अच्छे से करो, देखो पूरा पूरा मैकेनिज्म लिख के करो भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने पढ़ाने का पर्पस ही वो है कि तुम मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करो और लॉजिकली प्रोडक्ट खोजने की कोशिश करो। हितांश तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है, आशिका पाठक तुम्हारा आंसर सही नहीं है, सुयश तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है भाई। भाई रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन नाम की कोई चीज होती है, ध्यान से देखो सर, दो मिनट। भाई ये समझ लो जिसको ऑर्गेनिक आती है वो क्वेश्चन आधे मिनट में कर लेगा, और बाकी बच्चों को वो दरअसल सिफारी याद है मूवी का, हाँ? सब बेंजीन उंजीन नाचते दिखाई देते हैं बाकी बच्चों को बस, है ना। हितांश गोपानी नहीं बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है, स्निग्धा पेंटे तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। भाई तुम लोग कोई बच्चा सही मुझे आंसर नहीं बता रहा है, मैं हिंट दूंगा। अच्छा हिंट क्या है? दो बार रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटायन का, कार्बोकेटायन का दो बार रीअरेंजमेंट होगा, एक बार रिंग एक्सपेंशन और एक बार 1.2 शिफ्ट। अब तो आंसर बताओ सही, नहीं विनीत भाई कोई एक बच्चा उसे आंसर बता दो, एक बच्चा तो इज्जत रख लो कुछ। अरे सुयश फाइनली, अमन रंजन, नमन शेट्टी, गजब, आदित्य भंसाली सही आंसर बताया। चलो भैया दो तीन बच्चों ने सही आंसर बता दिया, अब मैं करूंगा, है ना। अमन नहीं बेटा सही आंसर नहीं है तुम्हारा, हरिप्रिया नहीं बेटा तुम्हारा आंसर भी गलत है। चलो अब यहाँ देखो, बहुत तुम नौटंकी करो उन्होंने, इधर देखो, इफ इट इज CH3, if it is deuterium, if it is OH, जैसा अभी सिखाया कि पहला वाला जो स्टेप है it should be acid base reaction, जो पहला स्टेप है it should be acid base reaction, तो do you think ये OH2+ बन जाएगा भाई? Next step में due to removal of H2O, ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O, यहाँ CH3, यहाँ ड्यूटेरियम एंड प्लस बन जाएगा ये। Yes, sir, very much fine. Now, whenever positive charge present to next two
four or five member cyclic rings, it always have ring expansion. Due to ring expansion, ये बन जाता मेरे पास six member cyclic ring. यहाँ let's say methyl and deuterium है. कहाँ positive charge रहने वाला है? कौन से carbon पे? Do you think इसके adjacent carbon पे? फिर हम लोग कर लेंगे यहाँ 1.2 let's say deuterium shift तो hydrogen ही है भाई, जिसकी वजह से ये जो 2 degree वाला कार्बोकेटायन है वो 3 degree कार्बोकेटायन बन जाएगा. इससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता है, सो I माइनस कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल और यहाँ ये जो प्रोडक्ट है वो आयोडीन एंड ड्यूटेरियम बन जाएगा, जो मेरे पास ए ऑप्शन आंसर है. अब तुम लोग क्या गलती कर रहे थे मुझे नहीं पता, है ना? बहुत सारे बच्चे डी आंसर बता रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर भी बताया है मुझे. वो शिफ्ट नहीं किया, ड्यूटेरियम शिफ्ट नहीं किया, ड्यूटेरियम शिफ्ट नहीं किया था बेटा. सेकेंडरी से टर्शियरी तो बनेगा फिर वो. हां सर. तो क्या समझ के हो गया बेटा, ये कैसे है, क्या SN1 SN2 कहानी है भाई? यस सर. अच्छा देखो, इसी के बेस पे हम लोग कुछ यहाँ ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं. इसी के बेस पे यहाँ हम लोग कुछ ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं इस SN1 रिएक्शन का. कितने स्टेप का रिएक्शन है जल्दी से बता दो मुझे. 1, 2, 3, 4, 5 पांच स्टेप का रिएक्शन है. तो कितने ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगे? चार. जितने स्टेप्स है उतने ट्रांजिशन स्टेट, 1, 2, 3, 4, 5 ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगे. ओवरऑल रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. Exothermic. On this axis it is enthalpy. On this axis let's say it is reaction coordinate. Let's say अगर मुझे इसका graph draw करना है तो do you think ये है मेरे पास combination जो average energy of reactant है? हाँ बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं? Awesome. अच्छा, ये डू थिंक ये पहला वाला जो पीक है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए. Yes. क्यों मैंने छोटा पीक बनाया, क्या बता सकते हो तुम लोग मुझे? एसिड बेस रिएक्शन है ना, एसिड बेस रिएक्शन आर मच फास्टर देन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक. ये काफी आसान स्टेप होगा. एंडोथर्मिक बनाया कि एक्सोथर्मिक बनाया मैंने डेलिबरेटली? एक्सोथर्मिक. क्या कुछ याद है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? एसिड बेस रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होते हैं ना. यस सर. हां सर. फिर H2O का बॉन्ड ब्रेक हुआ है भाई यहाँ. अगर H2O का बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ है तो डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी सम डिफिकल्ट स्टेप दिस? तो ये स्टेप भाई एक्चुअली डिफिकल्ट होगा और डिफिकल्ट होके मेरे पास यहाँ कार्बोकेटायन बन गया है ना. कहां तक आ गए भाई अभी तक हम लोग? यहाँ ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होके दूसरा कार्बोकेटायन बना सकता है जो इससे स्टेबल है. फिर ये कार्बोकेटायन रीअरेंज होके दूसरा कार्बोकेटायन बना सकता है जो इससे स्टेबल है. और फिर ये प्रोडक्ट बना रहा है जो यहां सबसे स्टेबल है. इट शुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बच्चों ये ग्राफ समझ में आ रहा है तुम लोगों को इस रिएक्शन का? यस यस. धीरे धीरे जेई एडवांस में ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे कि बस ये स्टार्टिंग में रिएक्शन दिया होता और चार ग्राफ दिए हो सकते हैं ऑप्शंस में और उसमें आइडेंटिफाई करना हो सकता है चारों में से कौन सा ग्राफ है ना. ना तो कुछ कुछ ये तो ऐसी एलिमिनेट हो जाती हैं. क्या कि एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक कितने स्टेप्स, तो उतने ट्रांजिशन स्टेट है बनाए कि नहीं बनाए भाई, है ना? तो मतलब डिफिकल्ट नहीं है बट यू शुड नो कि भाई किस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका. तो ये इवेंचुअली मेरे पास यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट. क्या बच्चों ऐसा समझ के हो रहा है तुम लोगों का क्वेश्चन? यस.
ये ग्रेफिट्रो हो गया साथ में। हाँ, कौन सा स्टेप इसमें आरडीएस था? हाईएस्ट पीक सर। डू यू थिंक ये वाला स्टेप मेरे पास आरडीएस है? यस। बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप। यस यस। मैं फर्स्ट कार्बोकैटायन बना है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। कितना है मॉलिक्युलरिटी उसका? उस स्टेप का मॉलिक्युलरिटी क्या है बेटा? 1 है ना? 1 तो ये यूनि मॉलिक्युलर SN1 रिएक्शन बोलेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है? लिख के हो गया बेटा? यस। मैं एक और क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ लास्ट आज के लिए, कुछ और अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाएगा भाई। एक मिनट है ना, चलो ये क्वेश्चन करके दिखा दो तुम लोग जल्दी से बता दो। ये रिएक्शन SN1 की SN2? SN1। कैसे पता चला? H2O weak nucleophile है, तो ये रिएक्शन SN1 होगा। एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन का, एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है। ABCD में से कौन सा ऐसा कार्बोकैटायन है या कौन सा ऐसा कैटायन है जो हम लोग इंटरमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कैटायन है जो इंटरमीडिएट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसका? जल्दी से बताओ। ये टाइम लगा रहे हो तुम लोग। यस आशिका पाठक तुम्हारा आंसर सही है। अमन तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा, है ना? तुमने कुछ ज्यादा बता दिया शायद। शुभम प्रजापति तुमने भी थोड़ा ज्यादा बताया है, मैंने लगता तुम लोगों को कंफ्यूज कर दिया है ये कह के कि एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है। चलो सिंगल चॉइस करेक्ट है उसका, है ना? जबस्ती दो नहीं बताओ मुझे आंसर। अंश तुम्हारा आंसर सही नहीं है भाई। अबे नॉट एक्सपेक्टेड पूछा है, थोड़ा ख्याल रखना क्वेश्चन में। यस श्रेयस तुम्हारा आंसर सही है। स्निग्धा तुम्हारा आंसर भी सही है। विनित तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे। अमन रंजन तुम्हारा आंसर सही है। चलो भाई कैसे कैसे बनेगा थोड़ा यहां देखते हैं, कैसे कैसे यहाँ प्रोडक्ट बन सकता है वो तुम लोग देख सकते हो। यहाँ ये आई है, H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है भाई वो। सॉरी मैंने कुछ गलत बना दिया इमेज। आयोडीन यहाँ था, H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेप में वी शुड हैव रिमूवल ऑफ I- ओनली, वो जैसी I- रिमूव होगा ये कार्बोकैटायन ही बन जाएगा। ये कार्बोकैटायन तो पहले ही स्टेप में बन गया। दिस कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ 1.2 मिथाइल शिफ्ट। तो क्या मेरे पास ऐसा कार्बोकैटायन बन जाएगा भाई? yes. तो मेरे पास ये वाला कैटायन भी बन गया। इससे ज्यादा स्टेबल ये बन नहीं सकता है। H2O कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल हेयर, जैसे ही H2O न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करेगा तो क्या ये OH2+ बन जाएगा भाई? हाँ सर। तो मेरे पास ये C भी बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता? इट विल लूज H+। और क्या इसका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा OH? यस
कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बना इसमें? ए वाला। चलो देखो इसके कोरस्पोंडिंग में ग्राफ और ड्रॉ करके दिखा देता हूं, तो शायद ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा इसका। लिख लिया तुम लोगों ने ऐसा? हाँ सर। चलो मैं इसके कोरस्पोंडिंग देखो ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ थोड़ा और समझ में आएगा कि कौन से स्टेप पे क्या कहानी बन रही थी इसकी, है ना। कितने स्टेप्स हुए रिएक्शन में जल्दी से बता दो मुझे, कितने स्टेप्स हो गए रिएक्शन में इसमें? फोर। फोर तो भाई मेरे पास फोर ट्रांजिशन स्टेट होंगे, वो समझ में आना चाहिए तुम लोगों को हमेशा। मेरे पास फोर ट्रांजिशन स्टेट्स होंगे, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक सारे के सारे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने चाहिए। दिस मे बी लेट्स से एवरेज एनर्जी ऑफ ए। सबसे डिफिकल्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए इसमें? फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला स्टेप ही सबसे डिफिकल्ट स्टेप हो जाना चाहिए। उसी में मेरे पास आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, फिर ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाना चाहिए था दूसरे कार्बोकेटायन में, दो पीक आ गए हैं, ये कार्बोकेटायन बन गया। डू यू थिंक इस पे H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो क्या ये स्टेबल बन जाना चाहिए? ऐसा ऑक्टेट वहां सबका कंप्लीट हो गया है बेटा, वहां ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया है कि नहीं? देखो हाँ सर, वहां ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये यहां बन जाएगा। अच्छा इसके बाद देखो बहुत छोटा सा और ये यहाँ, ये वाला कौन सा स्टेप है जो एकदम नीचे जब उसने H प्लस लूज किया बेटा? ओके सर। अच्छा इसका जब उल्टा हम लोगों ने रिएक्शन देखा था अभी, इसका जब हम लोगों ने उल्टा रिएक्शन देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब OH ने H प्लस गेन किया था तो वो एक्सोथर्मिक था कि नहीं था? Yes, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो इसका साथ उल्टा ही था ना बस? हाँ, इस टाइप के रिएक्शन का उल्टा ही था ना वो। OH हाँ, को रिप्लेस करके I आया था, यहाँ I को रिप्लेस करके OH आया है। Yes. तो यहाँ ये देखो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। Obviously, हाँ, इसमें ये जो स्टेप टू है शुड बी RDS। यहाँ ये मेरे पास रिएक्टेंट है, क्या कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन मेरे पास ऐसा है, आयोडीन एंड H2O, और ये लास्ट में जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो ये कॉम्बिनेशन है OH एंड HI। ऐसा बोल सकते हैं उसको कि नहीं? बीच में मेरे पास दो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है और एक इंटरमीडिएट ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है OH2+। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है भाई आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा होने वाला है? अब आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही है, जीओसी और आइसोमर का थोड़ा थोड़ा यूज होता रहेगा। ठीक है, ओके सर, बाय सर। चलो बाय, फ्राइडे को लेक्चर है, फिर से हम लोग करेंगे। Bye sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.